ये है रेल कैफे, आई थिंक अंग्रेजों के समय का है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम हैं रेलवे स्टेशन इज्जत नगर पहली में, तो हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे एक रेल कैफे है जो कि काफ़ी अभी नया खुला है और काफ़ी अच्छा है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसा है। ये एक इंजन का मॉडल है जो पुराने समय में कोयले वाला इंजन होता था, और ये इसका मॉडल है। इज्जत नगर आपका इज्जत नगर के पास में ही है, इनका वर्कशॉप वहीं पर है। ये मॉडल तो काफ़ी पुराना लगता है, ये आई थिंक अंग्रेज़ों के समय का है ये। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा ये कब से है यहाँ पर। तो ये वो दरगाह है रानी में साहब की, जो रेलवे स्टेशन इज्जत नगर पर ही है, और यहाँ पे 21 मई को सोता है फजर की नमाज के बाद सुबह 5 बजे। तो यहीं पर एक है रेल कैफे, अभी हम दिखाते हैं आपको कहाँ पर। तो क्या ये है रेल कैफ़े जो काफ़ी फेमस है बरेली में, अभी नया हाल ही में ओपन हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, और खाना भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ पे कॉफ़ी चाय। इधर कॉफ़ी चाय अगर खाली पीना है तो बाहर वेज नॉन वेज सारा कुछ है। तो गाइस अभी सिर्फ चाय ली है हमने, क्योंकि चाय का समय हुआ था, और यहाँ पे आप लंच और डिनर भी कर सकते हैं। इसका ओपनिंग का समय सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक है, तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा अगर आप बरेली से हैं तो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। हमने ये टिकोना से चाय ली जो हमें पड़ी 32 रुपीज़ GST। रेट तो ठीक ही है अभी, और कोई लंच या डिनर का समय नहीं था तो इसलिए सिर्फ चाय ट्राई किया, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब क्वालिटी है पैसों के हिसाब से अच्छी। आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, बने रहिएगा चैनल पर, और हम इसी तरह आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहेंगे।